पी जाना आप क्या के? क्योंकि रजिया इनका हाथ पकड़ कर लेकर जाओ। इस सुभान के बच्चे ने क्यों भेज दिया मन्नत को यहां से? हम तो चाहते ही हैं कि मन्नत बदनाम हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या मैं क्यों उस लड़की के बगल में खड़े हुए हैं? अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं है? क्या तुम जानते नहीं हो कि कितनी नापाक लड़की है ये? इसके दामन पे तो दाग लगा हुआ है, अगर तुम इसके बगल में खड़े होगे ना तो तुम्हारा दामन भी गंदा हो जाएगा। समझ में आया कुछ? ये किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रही हो तुम कायनात? बदतमीजी की इंतहा मत करो। बदतमीजी की इंतहा तो आपने, आपकी बेटी ने और आपकी नवासी ने पार की। ये आपकी बेटी की लाडली रात के अंधेरे में अपना मुंह काला कर रही है और आपकी बेटी उसकी करतूतों पर पर्दा डाल रही है। थोड़ी गैरत सिखाइए अपनी बेटी को। इसकी लाडली ने कितना गिरा हुआ काम किया। उस दिन मैं सबके सामने चीख चीख कर बोल रही थी कि वो डिलीवरी बॉय इसका आशिक है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। आज साबित हो गया ना? मेरा बेचारा मरहूम भाई अपने आप को कोस रहा होगा, क्यों इस मनहूस के लिए अपनी जान गंवा दी। आज इसने हैदर भाई और इस खानदान की अजमत को मिट्टी में मिला दिया। हैदर भाई, देख रहे हैं आप? सुनाई दे रहा है आपको कुछ? मैंने आपसे कहा था कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आप खुद सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा होता कि काश ये लड़की उसी दिन मर जाती। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। दूसरों की लगाम की बहुत फिक्र है आपको? हा? अगर अपनी बेटी पर लगाम कसी होती ना तो आज ये मनहूस दिन नहीं देखना पड़ता। तमीज से बात करो। मैं तुमसे रिश्ते में भी बड़ी हूँ और उम्र में भी बड़ी हूँ। आपने और आपकी बेटी ने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है और आप चाहती हैं कि मैं आपसे तमीज से बात करूं? अगर जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो बाल पकड़कर मारती इसे आप। लेकिन आप तो कुछ करेंगी नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पर तो हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई है ना। कुछ आपकी नजरों के नीचे हो रहा था, सब कुछ आपको पता था, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं किया। आपने ही शह दी इस लड़की को। अल्लाह के लिए अपने आप को समझदार, गैरतदार, इज्जतदार बनाना बंद करिए, क्योंकि आपके जैसी बेवकूफ, बेशरम और लापरवाह औरत मैंने इस दुनिया में कहीं नहीं देखी।